हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स व्हिच इज़ द बेस्ट ऑन द मेंसुरेशन ऑफ योर मैथमेटिक्स। एंड दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन द क्यूब एंड क्यूबॉइड व्हिच इज़ द सॉलिड फिगर। यू नो अबाउट दिस। एंड दिस वीडियो इज रिगार्डिंग टू द रिक्वेस्ट ऑफ सम ऑफ माई व्यूअर्स हु आर ऑलवेज कनेक्ट विथ अस एंड ऑलवेज शोइंग आवर वीडियोज। देन लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट नोइंग यू विथ यू इन इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट इज व्हाट इज क्यूब एंड व्हाट इज क्यूबॉइड। ओके, व्हाट इज क्यूब एंड व्हाट इज क्यूबॉइड। ओके, क्यूब मीन्स ए सॉलिड फिगर एंड क्यूबॉइड ऑल्सो ए सॉलिड फिगर। ओके, क्यूब मीन्स सॉलिड फिगर एंड क्यूबॉइड ऑल्सो ए सॉलिड फिगर। बोथ आर सॉलिड फिगर, पर डिफरेंस इज दैट द क्यूब होल साइज ऑल फेसेस आर स्क्वायर। ओके, ऑल फेसेस आर स्क्वायर फेसेस एंड क्यूबॉइड इज ऑल फेसेस आर द रेक्टेंगुलर फेसेस। ओके, क्या व्हाट काइंड ऑफ फेसेस? दिस इज रेक्टेंगुलर फेसेस। ओके, लाइक एग्जाम्पल ऑफ क्यूब, गिव मी ए एग्जाम्पल ऑफ क्यूब। आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्यूब। क्यूब का एग्जाम्पल होगा क्या, जो कि आपका डाइस है। डाइस आपने देखा होगा, आपने घर में भी खेला होगा, जो कि आपका लूडो में आता है। ठीक है, जो कि लूडो में आता है, जो कि डाइस, वो है किसका एग्जाम्पल है, जो कि क्यूब का है। और डाइस टाइप का बहुत सारे चीज आती है अभी मार्केट में, जो कि पजल है, और आपका जो कि एक जो कि पिलो जैसा आता है, बहुत सारे कुछ चीजें ऐसे ही चीज जिसका ना सारे फेस के ऐसे मैं फिगर भी यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ कि कैसा फिगर होता है, जो कि आपका किसका ना क्यू का ऐसा फिगर होता है। ठीक है, सॉरी। देखो कैसा फिगर आता है, ऐसा जिसका सारे फेस क्या होता है ना, स्क्वायर होता है, ऐसा ही फिगर कुछ होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं कैसे ड्रा कर रही हूँ। देखिए आप, जिसका ना सारे फेस क्या होता है ना, हर फेस क्या है, यहाँ पे सिक्स फेस है, और ऑल फेसेस आर व्हाट, ऑल फेसेस आर स्क्वायर। ओके, दीज आर सिक्स फेसेस। ओके, दीज आर सिक्स फेसेस। इफ आई एम टेलिंग यू अबाउट द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड दिस इज द ब्रिक, एग्जाम्पल ऑफ ब्रिक लाइक दिस, ऐसे होता है। ये है रेक्टेंगुलर फेस। मैंने क्या बोली कि जो कि क्यूबॉइड है उसका होल फेसेस क्या होता है ना, रेक्टेंगल ही होता है। तो ऐसा ही एक कुछ फिगर होगा, ऐसा कुछ होता है, ऐसा ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है। ये क्या है ना, ये है क्यूबॉइड, जिसका हर फेस क्या होता है वैसे ही रेक्टेंगल होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम चलते हैं उसका प्रॉब्लम के ऊपर, और उसके रिगार्डिंग कुछ फॉर्मूलाज है, मैं पहले उसको ही आपको शो करती हूँ क्या है वो फॉर्मूला, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए आप यहाँ पे, मैं एक पीडीएफ यहाँ पे लगा रही हूँ, आप सब देखिए। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। ये क्यूब है और ये है क्या, क्यूबॉइड है। ठीक है, इसको देखो, इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, जो कि साइड एस इसका साइड है, और साइड का क्यूब है क्या, वॉल्यूम है, क्योंकि इसका होल एक स्क्वायर का हर साइड क्या है, इक्वल होता है, इसीलिए उसका साइड का स्क्वायर क्या है, उसका ऐसे हर एक स्क्वायर का, ठीक है, एक स्क्वायर का हर साइड क्या होता है, इक्वल साइड होता है। तो इसीलिए इसका जो वॉल्यूम है क्या है ना, साइड का क्यू है, और उसका क्या है ना, उसका जो टोटल सरफेस एरिया है, ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया, जो कि कितना एरिया वो कवर करके रखा है, उसको उसको कैसा, और आपको तो पता ही होगा ना कि एक क्यूब का कितना फेस है, मैंने बोल चुकी हूँ। और जो पिछले वाला जो कि फिगर था, उस वहीं पे भी मैंने देखा चुकी हूँ आपको कि एक स्क्वायर का, और सॉरी एक क्यूब का और क्यूबॉइड का कितना फेस है, आप भी चेक कर सकते हैं। आपके घर में जो कि ईट है, जो कि ब्रिक्स है, और कुछ भी ऐसे चीज है जिसे भी आप चेक कर सकते कि कितना है उसका फेस है, उसका ना सिक्स फेस है। सो दैट इट्स सरफेस एरिया इज सिक्स सिक्स एस स्क्वायर, बिकॉज इट्स होल साइड्स आर ऑल साइड्स आर इक्वल। सो दैट नेक्स्ट, वैसे ही उसका जो कि क्यूबॉइड का जो कि वॉल्यूम है क्या है,
ले उसका ना जो कि एक हमें पता है कि एक रेक्टेंगुलर फेस है जो जिसका लेंथ और ब्रेड्थ होता है और एक हाइट होता है, सो दैट इसका जो कि वॉल्यूम क्या होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, इसका मल्टीप्लीकेशन, ऑल लेंथ हाइट और विड्थ का मल्टीप्लीकेशन होता है वॉल्यूम, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है ना, टू होल इंटू लेंथ इंटू विड्थ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस विड्थ इंटू हाइट, ओके ये होता है इसका क्या ना सरफेस एरिया। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम, क्या क्वेश्चन है देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, आप सॉल्व कर सकते हैं जो भी ना, जो कि आपका जो फॉर्मूला है जिसको प्रैक्टिस में आ जाएगा और समझ में भी आ जाएगा, वो डेफिनेटली ये वाला जो कि प्रॉब्लम है कर सकता है। मैं एक ही करूंगी और दूसरा मैं आपको होमवर्क दूंगी, ठीक है। किसी किसी को किसको भी, आपको जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप में से किसी को भी ये जो जो भी मैं दे रही हूँ होमवर्क से कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक बता सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करना है, किसका ना, क्यूबॉइड का, ठीक है। हमें तो पता चल रहा आ रहा है यहाँ से इसका जो कि गिवन देख के क्या डाटा दिया है इसके रिगार्डिंग, यहाँ पे ना जो कि लेंथ दिया है, ब्रेड दिया है और हाइट दिया है, इसीलिए वो क्या होगा ना, एक क्यूबर्ड ही होगा। तो उसका वॉल्यूम आप सबको पता ही होगा, क्यूबर्ड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ दिया है, ब्रेड दिया है और क्या दिया है, हाइट दिया है, और क्यूबर्ड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, क्यूबर्ड का जो कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है ना, लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट, ओके। लेंथ कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, इंटू ब्रेड्थ कितना है, 8 सेंटीमीटर, इंटू हाइट कितना है, 6 सेंटीमीटर। हमें इसको मल्टीप्लीकेशन करने से जिसका आंसर क्या आएगा ना, 576 आएगा, ठीक है। क्या आएगा ना, 576 आएगा, ठीक है। आप भी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसका यूनिट क्या होता है, जैसे कि हमारा एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट होता है, जैसे कि स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसे होता है। और वैसे ही वॉल्यूम का यूनिट क्या होता होगा, यहाँ पे आएगा क्यूब, क्यूब सेंटीमीटर, क्यूब मीटर, ऐसे ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं सेंटीमीटर का क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, क्यूब क्यूबिक जिसको बोलते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब थ्री टाइम्स होता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, थ्री टाइम्स का मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो जो कि ये निकल के आ गया हमारा वॉल्यूम, और क्या दिया है यहाँ पे फाइंड करने के लिए, हमें टोटल सरफेस एरिया दिया है जो कि क्या है ना, टी एस ए, जिसको ये ना शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है टोटल सरफेस एरिया, और इसका फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड प्लस ब्रेड इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, ओके ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे ना, 2 होल इंटू लेंथ क्या है, यहाँ पे 12 दिया दे रखा था, तो 12 इंटू ब्रेड क्या है ना, 8 है, प्लस ब्रेड क्या है, 8 है, इंटू हाइट क्या है ना, 6 है, प्लस लेंथ क्या है, 12 दिया है और हाइट क्या है ना, 6 है, उसको हमें मल्टीप्लीकेशन करके ऐड करना है, बस इतना ही और कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। ये हो गया 96 आपका, और ये हो गया 48 आपका, और ये हो गया 72 आपका, ठीक है। उसको ही हमें प्लस करना है और उससे उसको प्लस करना है, आंसर क्या आएगा यहाँ पे, आप बताओ क्या आएगा यहाँ पे, आंसर आएगा 432, ठीक है, 432, जिसको मल्टीप्लीकेशन करने से टू, सॉरी सॉरी यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा क्या ना, 216, इसको प्लस करने से आएगा इसको, उसके बाद 2 से इसको मल्टीप्लीकेशन करने से क्या आता है ना, 432 आता है, ठीक है। ये हो गया 432, क्या उसका एरिया मतलब स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं, बा यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप फाइंड हो गया, अब आप ना जो कि नेक्स्ट का बीट है, जो कि देखो यहाँ पे आ गया वॉल्यूम और यहाँ पे आ गया क्या, जो कि टी एस है, जो कि टोटल सरफेस एरिया, देन यू कैन जस्ट फाइंड द नंबर टू बीट, सेकेंड बीट, एंड यू गिव मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके।
देखिए आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन किसके ऊपर है? नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली क्यूब का ऊपर ही है। देखिए आप क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया एंड द ऑफ ए क्यूब हुज साइड। हमें पता है कि क्यूब का हर साइड इक्वल ही होता है, इसीलिए हम उसका वॉल्यूम लिखेंगे। हम वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है साइड का क्यूब। उसका साइड कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला क्या है? साइड का क्यूब। साइड कितना है? 4। तो हमें क्या लिखना है? 4 का क्यूब, जी जो कि क्या होगा, क्या होगा, जो कि होगा 64। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ऐसे ही सिंपल चीज़ ही आपका एग्जाम में आता है और आगे भी जाकर आएगा। और वॉल्यूम को यूनिट आपको तो पता है, जो कि क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। और उसका क्या निकालना है हमें? TSA निकालना है, जो कि टोटल सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला है क्या? उसका 6 फेसेस है, सो दैट इसका फॉर्मूला है 6 सरफेस, जो कि आपका साइड का स्क्वायर। 6 × साइड क्या है? 4। 4 का स्क्वायर 6 × क्या है? 16 × 6। ओके, 16, 4×4 = 16, जो कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हो गया ना? अभी अभी आपको समझ में आ गया, हाउ कैन यू फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब एंड द व्हाट क्यूबॉइड, देन यू कैन फाइंड द सेकेंड बिट बाय योर सेल्फ एंड गिव मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है ये दोनों से, देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। ना आपका जो वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसको। फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ ए वॉल्यूम। उसका क्या निकालने दिया है यहाँ पे? हाइट निकालने के लिए दिया है, और यहाँ पे वॉल्यूम का मेंशन किया गया है, और लेंथ और ब्रेड का भी मेंशन किया है। ठीक है, हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट। ओके, क्या दिया है? सिर्फ वैल्यू ही पुट करना है। हमें क्या दिया है? उसके जगह पे वैल्यू पुट करना है। 100 दिया है वॉल्यूम। लेंथ कितना दिया है? 5 दिया है। ब्रेड कितना दिया है? 4 दिया है। हाइट को पता नहीं, ये अननोन क्वांटिटी, ये अननोन थिंग्स है, हमें इसको ही निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? फाइंड द हाइट, हाइट को ही निकालना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 5 और 4 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो गया है, इस साइड आके हमें डिविजन ही कर देना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 100 / 5 × 4, जो कि आपका हाइट हो गया, जो कि इसको काट देने से क्या होता है? 5 × 5 = 25 / 100, सो दैट हाइट कितना आया? हाइट यहाँ पे कितना आया ना? 5 सेंटीमीटर। हो गया ना? ऐसे ही क्वेश्चन भी आ सकता है। आपको कुछ जानकारी है कि आपका जो कि लास्ट ईयर का जो कि क्वेश्चन है, किसी के पास भी, जो कि पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, जो कि मैथमेटिक्स के बेस है, तो आप ना मुझे PDF सेंड कीजिए। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वहीं पे सेंड कीजिए, मैं उसको ही रिव्यू करके आपको वीडियो बनाऊंगी उसके ऊपर, और कैसे आप बहुत ही कम टाइम में कैसे आप जो कि सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसका ट्रिक भी मैं दूंगी। तो प्लीज शेयर द क्वेश्चन। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।